हरियाणा के यमुनानगर के शेरगढ़ इलाके में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब हिसार स्टोर क्रैशर इलाके में गोलियां चली। इस दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल दो लोगों को यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यमुनानगर के निजी अस्पताल में लाए गए इन दो युवकों की हालत गंभीर है। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर योगेश जिंदल ने बताया कि उनके पास दिनेश व नीरज दो लोग आए हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। अभी तो कुछ ऐसी खबर है कि शहर में कुछ आपस में कहासुनी हो गई और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर गोली चला दी। पेशेंट हमारे पास जो दो आए हैं, अभी एक दिनेश डैश है और दूसरा मरीज है। दोनों दिनेश की तो हालत काफ़ी सीरियस है, फिर कुछ वहाँ पे जो हाँ फर्स्ट एड हुई है, कुछ पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई हैं, जो कंप्रेशन बैंडेज है उसकी हालत को स्थिर करने में लगे हुए हैं। उसके बाद एक्सरे सीटी स्कैन टेस्ट वगैरह होंगे, तभी हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। फिलहाल मरीज गंभीर हालत में, लेकिन स्थिर है गंभीर हालत में, और जो दूसरा मरीज है उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। एक की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। फिलहाल आप दोनों मरीजों को सीरियस हालत मान लीजिए।